नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। वृद्ध विधवा महिला अजोरा देवी पत्नी स्वर्गीय सत्यनारायण बिंद जो की अति गरीब महिला है, शासन प्रशासन द्वारा दिया गया आवास सूची में नाम आने पर 5000 घूस न देने पर आवास आकर भी नाम कट गया, जिसमें वृद्ध विधवा महिला द्वारा बताया गया कि हमारे एक बेटे जो कि उनके दो बेटे तीन बेटियां वह अपनी मेहनत मजदूरी के बल पर अपना परिवार चलाने में असमर्थ है, हमारे कोई देखभाल नहीं कर पा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहा, इसलिए ऐसा देखा गया ग्राम सभा डी खुरड में, जिसके पास 5 बीघा जमीन, 8 बीघा जमीन, पक्का मकान, 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर सब दुरुस्त है, उनको आवास दिया गया, उनको अंत्योदय कार्ड दिया गया। इस तरह से जिसके पास जमीन है, नौकरी है, उनको आवास दिया गया, अंत्योदय कार्ड भी दिया गया, और जो अति गरीब वह खाने कमाने में परेशान है, वह अपने खाने की व्यवस्था तक नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, वह गरीब अपनी पीड़ा किससे कहे, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन की जो अधिकारी कर्मचारी हैं वह अपनी तानाशाह के बदौलत गांव में ना कोई सर्वेक्षण, ना कोई पब्लिक की समस्या की जानकारी ले रहे हैं। मानव प्रशासनिक की जो अधिकारी कर्मचारी है वह अपने तानाशाही के बदौलत गांव में ना कोई सर्वेक्षण, ना कोई पब्लिक की समस्या की जानकारी ले रहे हैं, मनमानी का काम चला रहे हैं, इसलिए हर गांव की गरीब जनता परेशान है। इस गांव की यह महिला अपनी पीड़ा मीडिया से गुहार लगाई। साथियों नमस्कार, मैं ब्रजलाल चौधरी स्टार 7 टीवी न्यूज से अपने चैनल के माध्यम से आज ग्राम सभा डीही खुर्द के एक महिला के यहाँ आया हूँ, उनकी समस्या को आज आप लोगों के बीच में दिखाने जा रहा हूँ, अभी अवगत कराता हूँ। डीही खुर्द केवटान बस्ती की ये महिला हैं, देखिए ये इनकी व्यवस्था है, यहाँ इनके रहने के लिए ना घर है ना कोई व्यवस्था है, ये देखिए किस तरह से गुजारा करती हैं इस झोपड़ी में घर बना करके, ये आप लोगों के बीच में दिखा रहा हूँ, इनका ये घर है, उधरा बिदरा घर है उजड़ा, देखिए ये किस तरह से इस घर में गुजारा करती हैं। शायद इनका आवास भी आया था सर्वे में, सर्वे सूची में नाम था, लेकिन मालूम नहीं किस कारण से इनका आवास कट गया कि क्या कारण हो गया, ये आप लोगों के बीच में दिखाता हूँ। अभी चलता हूँ उन माता जी से बात कराता हूँ। हाँ बताइए माता जी, आपका क्या नाम है? हमारा अजोरा देवी। आपके पति जी का क्या नाम है? सत्यनारायण। किस जाति के हो? केवट। केवट। अच्छा अच्छा, कौन सा गांव है? नहीं है, नहीं ये डीही। हाँ डीही की रहने वाली हो? हाँ। अच्छा तुम्हारे रहने वाली हो? अच्छा तुम्हारे आदमी हैं कि नहीं है? हमारा आदमी खत्म हो गया है। कई साल हो गया? अरे हो तो है वो। हाँ हाँ ठीक, हाँ चलिए 40 साल। अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए कि आप इस उधरे बिधरे घर में रहती हो, इस घर रहने के लिए आपको ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी वगैरह या कोई अधिकारी कर्मचारी देखभाल करने के लिए नहीं आए? नहीं आए। क्यों हा? नहीं आए? हाँ हम कैसे कही, कैसे रोई? आपके लड़के बच्चे हैं कोई? हमारा एक लड़का है। हाँ तो उनके पास बच्चे उच्चे हैं? हाँ दो लड़का है। अच्छा तो वो आपको व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं? नहीं। हाँ कुछ नहीं। अच्छा अच्छा हाँ चलिए ठीक है। हाँ तो आपकी कोई सुनाई नहीं हुई? कोई सुनाई नहीं भाई, क्यों नहीं सुने? आवास में आप तक आए? आवास के लिए, घर के लिए कभी सर्वेक्षण हुआ, लिस्ट में नाम था सुने हो? कुछ नहीं आए। अच्छा आई रहा कभी के ना? इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें।